सब साधना का अंत होता है। ये संसार भी आदि अनंत वाला है, एक दिन प्रारंभ हुआ, एक दिन समाप्त हो जाएगा। सृष्टि प्रलय, ये आपका शरीर भी आदि अंत वाला है। आपके शरीर में जो इंद्रिय मन बुद्धि है वो भी माइक है, इसलिए आदि अंत वाला है। केवल आत्मा नित्य है। तो जितनी भी साधनाएं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से की जाएंगी, सब का फल आदि अंत वाला होगा। कर्म का फल स्वर्ग, फिर कर्म मर गया, फल देकर मर गया और वो स्वर्ग भी समाप्त हो गया। उसकी भी आदि है अंत है। एक दिन स्वर्ग मिलेगा कर्म का फल, एक दिन समाप्त हो जाएगा। ज्ञान का फल भी अज्ञान की निवृत्ति है, माया की निवृत्ति नहीं। ब्रह्म ज्ञान नहीं, इसलिए वो भी नश्वर है। योग का फल स्वरूप में स्थिति, लेकिन माया निवृत्ति नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति नहीं, क्योंकि भगवत भक्ति नहीं किया तो भगवत कृपा नहीं मिलेगी, इसलिए उसका फल भी नश्वर। और भी जितनी भी साधनाएं हों, तपश्चर्या, जप, तप, व्रत, कुछ भी हो, सब का फल नश्वर है, आदि अंत वाला है। लेकिन भक्ति, भक्ति क्यों अंत वाली नहीं है? एक दिन आपने भक्ति शुरू किया, यह भी तो इंद्रिय मन बुद्धि से होगी। हाँ होगी, लेकिन इससे अंतःकरण शुद्धि होगी, नंबर एक। और किसी साधना से अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी साधनाएं जो अंतिम समझो, धर्मः सत्यदयोपेतो विद्यावा तपसान्विता, ये सबसे बड़ी साधना है दोनों। लेकिन इससे भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। नंबर एक अंतःकरण शुद्धि, नंबर दो अंतःकरण शुद्धि के बाद भगवान स्वरूप शक्ति देते हैं। वह स्वरूप शक्ति इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देती है। और सब साधनाओं में भगवत कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने भगवत भक्ति की ही नहीं। तो भक्ति से भगवत कृपा मिली तो दिव्य भक्ति मिली और इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो गए। फिर वो दिव्य भक्ति अनंत काल तक चलेगी, गोलोक में भी सदा चलती रहेगी, कभी एंड नहीं होगा, अंत नहीं होगा। इसलिए कहा गया
सब साधनाओं का वो अंत होता है, लेकिन भक्ति साधना का अंत कभी नहीं होता, वो अजर अमर है। नारद जी ने कहा अमृत स्वरूपा चाह।